हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। ऑटो एक्सपो में अगर आप टाटा मोटर्स के पवेलियन पर आएंगे तो कई नई एसयूवीज, कई नई कारें, कई नई कॉन्सेप्ट व्हीकल आपको देखने को मिलेंगे। मसलन ये आप देख सकते हैं कि आपको सियरा नजर आएगी यहाँ पर, वही सियरा जिसका ब्रांड नेम आपने पहले भी टाटा के साथ में कनेक्ट किया होगा, लेकिन इस बार टाटा ने सियरा को एक कॉन्सेप्ट कार के तौर पर यहाँ पर पेश किया है। इसके अलावा आप यहीं से देख सकते हैं कि दूसरी कार जो है वो भी एक कॉन्सेप्ट कार है, HBX, जो टाटा मोटर्स ने यहाँ पर ऑटो एक्सपो में डिस्प्ले की है। इसके अलावा जो कंपनी की हैरियर है, हैरियर का 2020 वर्जन यहाँ पर ऑटो एक्सपो में डिस्प्ले किया गया है। और अगर हैरियर की बात करें तो काफ़ी सफलता जो हैरियर के जरिए है वो टाटा मोटर्स को मिली है। 170 PS की अधिकतम पावर होगी इस गाड़ी की। बुकिंग्स जो हैं वो इसकी स्टार्ट हो चुकी है, एंड ऑफ फरवरी से इसकी डिलीवरी शुरू हो जाएगी। तो हैरियर का नया 2020 वर्जन जो है वो आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर बात SUVs की होगी तो सबसे प्रोमिनेंट जो है टाटा मोटर्स पर, वो आपको एक नई SUV ग्रेविटास के रूप में देखने को मिलेगी। 2 लीटर फिएट का मल्टी जेट जो इंजन है उस पर बेस्ड है ये गाड़ी, और लैंड रोवर प्लेटफॉर्म पर इस गाड़ी को बनाया गया है। तो ग्रेविटास आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से छोटे SUV में नेक्सन और उसके बाद में हैरियर के जरिए टाटा मोटर्स ने सफलता हासिल की है, उसके बाद में अब जो ग्रेविटास है उसको लेकर कंपनी आ रही है। और बुकिंग्स जो हैं वो कंपनी स्टार्ट कर चुकी है, और फरवरी एंड से जो ये गाड़ी है वो आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। अगर इंटीरियर्स की तरफ मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ही नीट एंड क्लीन जो डैशबोर्ड है वो दिया गया है। और कीमत इस कार की आप तकरीबन मान के चलिए कि हैरियर से ऊपर प्लेस्ड होगी, तो लिहाजा 20 लाख रुपये या उससे ज़्यादा जो शुरुआती कीमत है वो ग्रेविटास की होगी। तो टाटा मोटर्स के पवेलियन पर अगर ऑटो एक्सपो में आते हैं तो तमाम आकर्षण जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। 2 कॉन्सेप्ट व्हीकल मिलेंगे, सियरा मिलेगी, HBX मिलेगी, इसके अलावा नई हैरियर 2020 जो है वो देखने को मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ा जो आकर्षण टाटा मोटर्स के पवेलियन पर रहेगा वो जाहिर सी बात है ग्रेविटास ही रहेगा, क्योंकि ये प्रोडक्शन मॉडल है। बहुत जल्द कंपनी जो है इसको भारतीय बाजार में बेचेगी। कंपनी की तरफ से ऐलान किया गया है कि अगले 18 से 24 महीनों के दौरान कंपनी 4 नए प्रोडक्ट्स को भारत में लेकर आ रही है, तो उसी में से एक ग्रेविटास होगा। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से SUVs का बोलबाला है और टाटा मोटर्स को सफलता मिली है नेक्सन और हैरियर के जरिए, उसके बाद में अब ग्रेविटास के साथ में एक बार फिर से SUV मार्केट में दबदबा कायम करने की कोशिश टाटा मोटर्स की तरफ से जरूर रहेगी। कैमरामैन ललित कुमार के साथ रक्षित सिंह, ABP न्यूज, ऑटो एक्सपो। ABP न्यूज आपको रखे आगे। मैं शेखर कपूर लेके आ रहा हूँ प्रधानमंत्री सीरीज 2, शनिवार रात 10 बजे।